बात करेंगे पोंडुचेरी वोमेन्स टी10 आज के मुकाबले, लेकिन कल जो खेला गया यहाँ पर देख सकते हो वन साइडेड तरीका से हम लोगों ने विन किया था। जो रिस्क के साथ मैंने टीम दिया था यहाँ से आप देख सकते हो वो वर्क किया, कैप्टन बीसी के साथ साथ यहाँ पर ट्रंप प्लेयर ने भी वर्क किया। और केरला टी20 वोमेन्स के बाद पोंडुचेरी वोमेन्स टी20 भी धमाकेदार शुरुआत रही। देखते हैं अगला मुकाबला जो कि ANZ वोमेन वर्सेस DIA वोमेन्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। देखो दोनों टीमों के पास अच्छे खासे प्लेयर, एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर है जिनका सिलेक्शन बहुत अधिक है लेकिन वो ज़्यादा खास नहीं करने वाले हैं मेरे भाई इस मैच में, और कुछ ऐसे प्लेयर है जिनका सिलेक्शन कम है लेकिन वो तबाही मचा सकता है। कौन से ऐसे गेंदबाज है, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा गेंदबाज और ऑलराउंडर लेना चाहते हैं, आपको भी लेना चाहिए, उनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अगर यदि आप इस मुकाबले को हमारे साथ खेल रहे हो मेरे भाई तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल टीम जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ, इनके अलावा GL का टीम, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, यानी एक शानदार टीम बनाने में जितने चीज़ों की आवश्यकता होती है सारा कुछ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ। तो मेरे भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर वीडियो के फर्स्ट कमेंट जो होता है वहाँ पर लिंक होगा ब्लू कलर में, सौरभ सामाजिक 84, उसी पे क्लिक यानी टच करोगे सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल 56.6 के सब्सक्राइबर वाले पे आओगे, बिल्कुल फ्री में हर मैच का अपडेट वगैरह टीम भी ले जाओगे। तो मेरे भाई अब ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं, दोनों टीम एक एक मुकाबला खेल रखी है तो उनके ऊपर चलिए नज़र डालते हैं। लेकिन नेटवर्क है स्लो तो नज़र कैसे डालोगे, लेकिन नेटवर्क अब आ जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो टी निगम की बात की जाए, कमाल का प्लेयर है, कैप्टन बीसी का तगड़ा चॉइस रहेगा, 21 का योगदान दिया 3 चौके के साथ, ये पोंडुचेरी राष्ट्रीय लेवल का प्लेयर है। वाई कार्तिकेयन भाई 33 का, इन्होंने बल्ले से योगदान दिया, 2 चौके 2 छक्के की मदद से, कमाल का प्लेयर है, ये भी राष्ट्रीय लेवल प्लेयर, लेकिन ये पार्ट टाइम गेंदबाजी करती थी लेकिन इस मुकाबले इन्होंने फुल टाइम गेंदबाजी की। सीबी पांडे ये भी राष्ट्रीय लेवल प्लेयर, एक अच्छा इनिंग खेल सकती है, इन्होंने 10 रन बनाए एक जबरदस्त छक्के के साथ। SA लोंकर भाई GL का डिफरेंशियल पिक रहेगा, कैप्टन बीसी का, देखो पिक तो करना है, GL का डिफरेंशियल कैप्टन रहेगा, पिक तो 100% करना है जिस तरह से इनका करियर रिकॉर्ड है गेंदबाजी से। अब गेंदबाजी में देखो टी निगम बल्लेबाजी भी की, गेंदबाजी भी की, यहाँ से बढ़िया अभिराम रमामूर्ति भाई कमाल का इनका भी रिकॉर्ड है, 2 ओवर कन्फर्म डालेगी, विकेट लेस गया लेकिन आप इनके ऊपर नजर रखना। लीला तेजस्विनी की बात की, बहुत सारे मुकाबले खेले, हर मैच में गेंदबाजी करता है लेकिन इनका ओवरकट होता है और विकेट भी नहीं लेता, लेकिन प्लेयर अच्छा है, GL पे नज़र रखना। SA लोंकर की बात की, कमाल का ऑलराउंडर है, ट्राई तो करना। वाई कार्तिकेयन जब 2 ओवर डाल रही है मेरे भाई तो ये भी कैप्टन बीसी का तगड़ा च्वाइस होगा। अब देखो धन्या भी की बात की, ये हम लोगों का ट्रंप प्लेयर रहा, एक ही विकेट ले गया लेकिन वन साइडेड हम लोगों को विन भी करा गया। तो इन दोनों में से किसी एक के साथ आपको क्या लगता है, मुझे तो लगता है कि दोनों को मैं ड्रॉप कर दूँ। वहीं बात करेंगे मेरे भाई वोमेन IPL का भी एक प्लेयर यहां पर खेलने वाला है, वो यहां से पुनर्खेमनार भाई 20 गेंद पर 37 का योगदान दिया, 4 चौके 2 छक्के की मदद से, और यहां पर ये गेंदबाजी भी कर रही भाई, कैप्टन बीसी का ये भी बढ़िया च्वाइस है। केविसा ओपन आ रही है साथ में 2 ओवर करे, भाई किनको दोगे कैप्टन, कैप्टन बीसी का तो बढ़िया च्वाइस है। पी कौशल यहां पर 2 डाउन आया लेकिन ये भी गेंदबाजी करती है, ये भी GL का कैप्टन आप ट्राई कर सकते। शेखर यहाँ पर 6 का योगदान दिया, अनिका की बात की जाए 13 का योगदान, गेंदबाजी क्या रही, सामने वाली टीम को ऑल आउट कर दिया भाई यार, आप बता रहे हो गेंदबाजी क्या रही। पी कौशल यहाँ पर 2 विकेट ले गए, कविसा भी 2 विकेट ले गए, पूनम खेमनार ने वोमेन IPL का अनुभव दिखाया, बल्ले से योगदान दिया, गेंदबाजी से 3 विकेट ले गए। इस एंथोनी की बात कर, डोमेस्टिक रिकॉर्ड इनका अच्छा, ज़्यादा बड़े प्लेयर साथ खेलने का अनुभव है नहीं लेकिन 2 ओवर कम्प्लीट किया तो पिक बनता है, इनसे ज़्यादा बढ़िया गोकुल नंदिनी के पास है जिनके पास अनुभव बहुत ज़्यादा है, फास्ट गेंदबाजी करते हैं लेकिन इनका ओवर कट हो गया क्योंकि महंगा साबित हुआ था। इनका भरपाई किया गायत्री ने, यहाँ पर 1 ओवर डाला, 4 ही रन दिए, तो थोड़ा सा वोमेन मैच है, एक्सपेरिमेंट होगा, वो एक्सपेरिमेंट से बचना पड़ेगा। बाकी चलिए क्या कॉम्बिनेशन हमारा बन रहा है उनके ऊपर नज़र डालते हैं। लेकिन मेरे भाई इससे पहले यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मेरे भाई तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम इलेवन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इनके अलावा कुछ जानकारी लेना हो इंस्टा पे मैसेज करो, मैं वहाँ पर सारे लोग का रिप्लाई देता हूँ, वो भी शानदार तरीका से। तो चलिए एक टीम बनाने की ओर चलते हैं सारे भाई मिलकर। विकेट कीपर कौन बढ़िया है भैया, कोई बढ़िया नहीं है, अब कोई बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी एक विकेट कीपर तो लेना पड़ेगा ना,
चलो आप लोग बोल रहे हो तो ले लेते हैं, चलो इन्हीं को ले लेते हैं। बाकी विकेट कीपर कोई बढ़िया नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ विकेट कीपरिंग से ही पॉइंट देगा। केविशा को यहाँ से ड्रॉप नहीं कर सकते भाई, कार्तिकेयन को ड्रॉप नहीं कर सकते, पुनर खेमनार को ड्रॉप नहीं, तीनों को ड्रॉप करने का तो सोचना है। तीनों कैप्टन बीसी का तगड़ा च्वाइस है, अब क्या करोगे। अच्छा चलो यहाँ बहुत दिक्कत है, तीनों कैप्टन बीसी का बढ़िया च्वाइस है, ऑलराउंडर में चलते हैं। टी निगम, एस अनिल लोंगकर, अब इन दोनों को भी ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि भाई दोनों कैप्टन बीसी का बढ़िया, पाँच कैप्टन बीसी का बढ़िया च्वाइस है भाई। छठा भी तो देख लो, पी कौशल भी बुरा ऑप्शन, इन्हें भी कैप्टन बीसी दे सकते हो। एस एंथोनी यहाँ पर दो ओवर कंप्लीट डाला तो ड्रॉप नहीं कर सकते, चलो कैप्टन वाइस नहीं दोगे तो ड्रॉप करोगे क्या, नहीं भैया को ड्रॉप नहीं करेंगे। गेंदबाजी पे आते हैं, ए अभिराम मूर्ति के बात किया है, विकेट नहीं लिया लेकिन दो ओवर कंप्लीट किया और करियर रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो इनको ड्रॉप करोगे नहीं, इनको ड्रॉप भी नहीं कर सकते। जी मुरगेशन के पास अनुभव बहुत ज़्यादा है लेकिन विकेट लेस गया, लास्ट मैच एक ही ओवर डाला, क्या करोगे, सोचना पड़ेगा। भी धन्य हम लोग का ट्रंप कार्ड, एक ही ओवर डाला विकेट ले गया भाई, क्या करोगे, वेट करो। एल तेजस्विनी, इन्होंने भी एक ओवर डाला, लास्ट का इनका पाँच मैच देखो, सब में गेंदबाजी किया लेकिन विकेट लेस गए। अब सोचना पड़ रहा है कि किनके साथ जाऊं, दो ऑप्शन यहाँ तो है। अब यहाँ से मैं सोच रहा हूँ एक बल्लेबाजी, यहाँ से सीबी पांडे भाई, राष्ट्रीय लेवल प्लेयर, वन डाउन आ रही है, क्या इनके ऊपर जाओगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा मेरे भाई। तो फिलहाल के लिए अभी क्या करते हैं, जी मुरु भी धनिया और जी मुरुगेशन के ऊपर ही चलते हैं, ये एक सेफ है। एल तेजस्विनी से यहाँ से डर रहेगा गेंदबाजी पे, एक गायत्री एक ओवर डाला, अब कितना ओवर डालेगा कहना मुझको, करियर रिकॉर्ड खास नहीं है, तो दो डर हो गया यहाँ से। तीसरा डर यहाँ से रहेगा सी बी पांडे, बाकी ज़्यादा कोई डर है नहीं। कैप्टन बीसी का भाई बहुत ज़्यादा लोचा लग रहा, किनके साथ जाऊँ, ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया। छोटा मोटा देखोगे तो छोटा मोटा में ये दोनों भी बढ़िया आता है, लेकिन ये चार परफेक्ट है। अब मुझे लग रहा है कि अनुभव के साथ जाऊँ, सबसे ज़्यादा अनुभव है पूनम खेमनार जो कि आईपीएल खेल कर रही थी, इनको तो कैप्टन दूंगा भाई। अब बीसी के लिए केविशा वाई कार्तिकेय, हम देखो टी निगम, ये इनके पास थोड़ा सा ज़्यादा बाकी से अनुभव है और परफेक्ट है, ये दोनों का ओवर कट भी हो सके लेकिन कट तो नहीं होगा, जिस तरह से इन्होंने गेंदबाजी किया, दोनों टीम का कैप्टन है, याद रखना ये बहुत बढ़िया विकल्प है ये दो, लेकिन मुझे जो बेहतर लगा मैंने यहाँ पर गया इन दोनों के ऊपर कैप्टन बीसी गया हूँ। तो मेरे भाई फिलहाल के लिए ये टीम सेव करके रखो, इसमें जो भी चेंज होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल डोमेस्टिक प्लेइंग 11 पे। तो आशा करते हैं भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट शानदार जाए।